हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास थ्री का इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर थ्री जिसका नाम है द नाउन, जिसका मीनिंग होता है संज्ञा, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। देखें, दिया है द नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद इसके काइंड्स बताऊंगा। तो देखें, नाम का डेफिनेशन क्या होता है। नाम का डेफिनेशन क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स। एग्जाम्पल, मोहन बुक गोरखपुर ETC। यानी कि नाउन का डेफिनेशन होगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन एक नाउन इज है या होता है, द नेम नाम ऑफ काटे की, यानी कि नाउन किसका नाम होता है, एनी पर्सन प्लेस और एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स। यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि नाउन नाम होता है, संज्ञा नाम होता है, किसका नाम होता है, एनी पर्सन, पर्सन मीन्स होता है किसी व्यक्ति का, प्लेस किसी स्थान का, और अथवा थिंग्स अथवा किसी वस्तु का। यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, किसी वस्तु स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। आई रिपीट अगेन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल, मोहन बुक गोरखपुर ETC। जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, बुक ये किताब है, वस्तु है, गोरखपुर ये क्या है, कोई स्थान का नाम है। यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ये नाउन का परिभाषा है। एक दूसरा उदाहरण हम लिखेंगे, एक दूसरा उदाहरण, जैसे जैसे रीता गोज टू स्कूल बाई बस। अब देखें, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यही वाक्य है, इसमें नाउन ढूंढना हो, देखें रीता दिया है, नाम है, नाउन है। उसके बाद स्कूल दिया है, ये भी नाउन है। अब बस दिया है, ये भी नाउन है। अब इस वाक्य में देखें, रीता स्कूल बस ये तीन नाउन है, तो ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये जानने के लिए हम इसके काइंड्स को पढ़ते हैं। तो देखें, अब हम इसके काइंड्स पढ़ेंगे, नाउन के काइंड्स। देखें, ये नाउन के पांच प्रकार होते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, पांच प्रकार होते हैं। इफ एनीबॉडी विल आस्क यू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, योर आंसर शुड बी, या यू हैव टू आंसर, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकेंड इज कॉमन, थर्ड इज कलेक्टिव, एंड फोर्थ इज मटेरियल, एंड फिफ्थ
अब्स्ट्रैक्ट, विच इज द फिफ्थ नंबर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि नाउन हमारे पांच प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, पहला क्या है प्रॉपर नाउन, ये क्या होता है बारी बारी से हम समझेंगे इसे। प्रॉपर नाउन जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कौन सा नाउन बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक। इसका डिफिनेशन क्या होता है, अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, यानी कि विशेष है क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ये नाम से मिलता जुलता डिफिनेशन है। नाम का डिफिनेशन क्या होता है था हमने, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी कर दिए तो एनी पर्सन प्लेस ऑफ, लेकिन यहाँ पे जब प्रॉपर नाउन आएंगे सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है, अब पर्टिकुलर पर्सन हो जाए, पर्टिकुलर बस एड हो जाएगा, यानी कि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रीमा गोज टू स्कूल बाई बस। अब देखें यहां पे एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, ये नाम है, जब नाम आ जाए किसी विशेष व्यक्ति का, चाहे वस्तु का, चाहे स्थान का, अगर नाम आ जाता है तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाम। जैसे इस वक्त में आ गया है रीमा, तो रीमा यहाँ पे कौन सा नाम है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट रीमा इज प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन है प्रॉपर नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन, दूसरा नंबर पे क्या दिया हुआ है कॉमन नाउन, ये क्या होता है, कॉमन नाउन, कॉमन साधारण या जाति कह सकते हैं, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग टू एस वन। कह रहा है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जिसका मीनिंग होता है अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, कॉमन यानी कि समान, टू एज वन एक। कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा वह होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु नहीं अपितु व्यक्ति नहीं कहेंगे, प्लेस कहेंगे, सीधे हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे सीधे, कॉमन पर्सन हाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे हो सकता, कॉमन पर्सन प्लेस और वही चीज है कॉमन पर्सन, यानी कि किसी विशेष
व्यक्ति वस्त्र सॉरी किसी विशेष नहीं अपितु सामान यानी कि जाति का, यानी कि किसी जाति का बोध कराए वो किस चीज का, यानी कि व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जाति का बोध कराए उनको, एक जाति का मतलब किसी विशेष का नहीं अपितु उनके जाति का बोध कराए, विशेष का नहीं अपितु जाति का बोध कराता है। अकामन नामी का नेम आप अकामन पर्सन प्लेस आर थिंग, वहां पे क्या था प्रॉपर पर्सन प्लेस आर थिंग, यहाँ पे क्या हो गया है प्रॉपर या पार्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग उसमें था, यहाँ पे क्या आ गया है कॉमन पर्सन प्लेस आर थिंग। ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि किसी उसके जाति का ये बोध कराता है, किसी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, विशेष का नहीं बल्कि उसके जाति का बोध कराता है, ये हमारा कॉमन नाम कहलाता है। जैसे जैसे बुक हो गया, बॉय हो गया, सिटी हो गया, ईटीसी, ये हो गया कॉमन नाम। कौन सा नाम हो गया कॉमन नाम, तो ये हमारा कॉमन नाम। जैसे बॉय कह दिए ये पर्सन हो गया, कौन सा बॉय है ये नाम नाम नहीं रखा है, बस इसको हम बॉय कह दिए, चाहे मैन कह दिए, चाहे गर्ल कह दिए, तो वो हमारा कॉमन हो जाएगा। प्लेस कर देंगे सिटी हो गया, कौन सा सिटी है नाम नहीं रखा, बस सिटी कर दिया है, तो ये हमारा प्लेस हो गया। थिंग बुक हो गया, कौन सी बुक है ये नाम नहीं रखा है बल्कि उसके जात का बोध करा रहा है, तो जिस नाम से उसके जात का बोध होता है वो हमारा कॉमन नाम होता है। जैसे बुक, बाय, सिटी, पीटीसी। अब आते हैं कलेक्टिव नाम। कलेक्टिव नाउन देखें क्या होता है, कलेक्टिव नाउन थर्ड है, तीसरा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ, प्रॉपर में गए पार्टिकुलर पर्सन, कॉमन में गए कॉमन पर्सन, कलेक्टिव में आए ए नंबर ऑफ, तो ये चीज चेंज होता जा रहा है, बाकी वही है लगभग। तो वही कह रहा है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल क्लास, ये क्लास क्या है, अगर एक पर्सन रहेगा, एक बच्चा रहेगा, तो क्या हम क्लास बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो जिस प्रकार एक बच्चा रहेगा उसको हम क्लास नहीं बोल सकते, उसी प्रकार से बहुत से बच्चों का समूह ही हमारा क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है हमारा टू एज वन, यानी कि एक समूह के रूप में माना जाता है। जैसे क्लास, यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास, एक बच्चा नहीं बल्कि एक से अधिक बच्चे रहेंगे तब उसे क्लास कहा जाएगा, और क्लास का मतलब यह कि इसमें बहुत से लोग हैं। अब हर्ड, हर्ड ये क्या होता है, झुंड होता है, अगर एक चीज कोई रहे, एक पशु रहे, एक जीव रहे, तो क्या हम उसे झुंड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एक चीज रहता है तो हम उसको झुंड नहीं बोलते हैं, अपितु कई जानवर रहेंगे, कई जीव रहेंगे, तब हम उसको हर्ड बोल सकते हैं। आर्मी, आर्मी ये भी सैनिकों का समूह होता है, उसे हम आर्मी बोलेंगे। ये सभी हमारे किसके उदाहरण हैं,
ये सभी हमारे कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा के। अब अगला देखते हैं मटेरियल नाउन। अगला है मटेरियल नाउन, इसको देखते हैं ये क्या होता है। चौथा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मटेरियल मतलब द्रव्य या सामग्री, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मटेरियल नाउन का द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल आर मटेरियल, आगे दिया है और सबस्टेंस, यानी कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल आर सबस्टेंस। क्या होता है? सबस्टेंस मतलब द्रव्य, यानी कि किसी वस्तु का अथवा किसी द्रव्य के नाम को ही हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे वाटर, वाटर ये हमारा क्या है? मटेरियल है, तो हमारा मटेरियल नाउन हो गया। आयरन ये हमारा, ये भी द्रव्य है मटेरियल है, हो गया ये हमारा मटेरियल नाउन। मिल्क, मिल्क मिल्क हमारा ये क्या है? ये भी एक मटेरियल ही है, द्रव्य है, मटेरियल नाउन हो गया। तो ये सभी हमारे क्या हो गए? ये सभी हमारे मटेरियल नाउन हो गए, यानी कि अगर वो सामग्री है, वस्तु है, तो वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे वाटर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, एटीसी, ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच इज द फिफ्थ एंड लास्ट नंबर मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, इसका हिंदी मीनिंग होता है भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन क्या है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, ये किस चीज का नाम है? एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, एटीसी। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एक्शन, क्वालिटी और फीलिंग, एटीसी। यानी कि चाहे एक्शन हो, क्वालिटी हो, फीलिंग्स हो, इनका नाम ही हमारा क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्रसन्नता एक तरह से, ये फीलिंग्स है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, इसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हैप्पीनेस प्रसन्नता, ये कोई चीज नहीं है कि हम देखेंगे छुएंगे, बल्कि महसूस करने वाली चीज है, हैप्पीनेस हो गया। उसके बाद काइंडनेस, काइंडनेस काइंडनेस ये हो गया। उसके बाद ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ईमानदारी ये हो गया। अध्यापकी ये हो गया। तो ये सभी हमारे क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा। ये सभी हमारे, चूंकि भाव प्रकट हो रहा है, ये दिखता नहीं है, इसको हम टच भी नहीं कर सकते, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आपके चैप्टर में बस इतना ही दिया था,
संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, आपको बता भी दिया गया कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको न समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं।